हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, ये मां का बड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या हो भाई। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, रीन्स इज हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट 1.19 एंड 1.20 अपडेट की सीड। सो ये आप लोगों के जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन दोनों के लिए होने वाली है। सो अभी तक जिसने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी नहीं है, फटाफट से बांध लो, क्योंकि आज की सीड देखने के बाद आप लोग हिलने वाले हो। ओके गाइस, सो आप लोगों ने बहुत सी ऐसी सीड्स देखी होगी जिसमें कि स्ट्रक्चर्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? उससे ये कि आप लोगों को जो सीड नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगी वो कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। सो इस सीड में इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको देखने मिल जाएगा एक फ्लोटिंग जंगल टेंपल, जो कि बेडरॉक एडिशन 1.19 की सीड है। लेकिन अगर आप लोग इस सीड को बेडरॉक एडिशन 1.20 अपडेट में ट्राई करते हो तो आप लोगों को जंगल टेंपल के साथ साथ देखने को मिल सकती है हाल ही में न्यूली एड बायोम, जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, मैं सर्च करके आता हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। हाँ, तो इस नई बायोम का नाम है चेरी ब्लॉसम बायोम। थोड़ा कंफ्यूजन था नाम को लेके, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। एंड ये चेरी ब्लॉसम बायोम आपके जंगल टेंपल से मात्र 30 ब्लॉक्स की दूरी पे स्पॉन हो रखी होगी। ओके गाइस, क्या हो अगर आप लोगों को एक ऐसी सीड देखने को मिले जिसमें कि चंक बेस आपको कुछ और बता रहा हो एंड आपका गेम के अंदर जो ओवरवर्ल्ड है वो कुछ और बता रहा हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक्चुअली गाइस, क्या है ना, ये जो सीड नंबर 2 है ना, वो इतनी ज़्यादा एपिक लेवल की है कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि अगर आप लोग इस सीड को चंक बेस पे ट्राई करते हो तो आप लोगों को डेजर्ट टेंपल देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर आप लोग अपने बेडरॉक एडिशन या पॉकेट एडिशन में इस सीड को लेके अपना ओवरवर्ल्ड बनाते हो तो आप लोगों को इस सीड के अंदर डेजर्ट टेंपल देखने को मिलेगा ही नहीं। आई नो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हिंट मिल ही चुका होगा। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो इस सीड में इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको देखने मिल जाएगा एक हिडन डेजर्ट टेंपल, जो कि माउंटेन के अंदर है। एंड गाइस, इस डेजर्ट टेंपल को ढूंढने के लिए मुझे करीबन 1 घंटा लगा था, बता रहा हूँ, हालत टाइट कर दी थी इसने। गाइज, वैसे तो आप लोगों ने वर्जन 1.18 के अंदर सबसे टॉलेस्ट वुडलैंड मेंशन वाली सीड्स को ट्राई किया ही होगा। और अगर मैं कहूँ कि आप लोग वैसी ही डिप्टो सीड को अपने वर्जन 1.20 अपडेट के अंदर ट्राई कर सकते हो तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ओके, सो इस सीड के इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको देखने मिल जाएगा एक टॉलेस्ट वुडलैंड मेंशन, जो कि आपके वर्जन 1.20 अपडेट की सीड है। एंड मेरे हिसाब से आप लोगों को वुडलैंड मेंशन के साथ साथ एक डेजर्ट बायोम भी देखने को मिल जाएगा। एंड इस सीड के अंदर आप लोगों को दो दो रेयर थिंग्स देखने को मिलेगी, एक तो ये टॉलेस्ट वुडलैंड मेंशन, एंड जो ये वुडलैंड मेंशन है ये डेजर्ट बायोम में स्पॉन हो रखा है एंड ये सबसे टॉलेस्ट वुडलैंड मेंशन है इस सीड का, तो इसलिए ये रेयर सीड है। वेल गाइज, आप लोगों ने बहुत सी ग्लिचेस सीड तो देखी होगी, लेकिन ये वाली ग्लिच सीड देखने बाद तो आप लोग सच में हैरान होने वाले हो। सो इस सीड के स्पॉन पे ही आपको देखने मिल जाएगा एक विच हर्ट विथ रुइन पोर्टल। बट वेट गाइज, इस सीड के अंदर एक और रेयर चीज छुपी हुई है जो कि आपके सीड नंबर 3 से कुछ रिलेटेड है। आप इस तरफ जैसे ही आओगे आप लोगों को देखने मिल जाएगा स्पेक्ट्रेटर मोड में एक हिडन एंड अबेंडेंट शिप रैक, जो कि जावा 1.20 अपडेट का सीड है। एंड मेरे हिसाब से आप लोगों को इस सीड को ट्राई करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब ये सीड मुझे मिली थी तब मैं बहुत एक्साइटेड था इस सीड को लेके। सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इस सीड को ट्राई जरूर से करो। ऑलराइट गाइस, सो आप लोगों ने बहुत से ऐसे सीड्स तो देखे ही होंगे जिसमें कि डेजर्ट टेंपल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूँ मेरे पास एक ऐसी सीड है जिसमें कि डेजर्ट टेंपल चारों तरफ से लावा से घिरा हो तो आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, हाँ चल जाएगा, जरूर से बताइएगा गाइस, क्योंकि इस सीड को ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ओके, सो इस सीड के इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको देखने मिल जाएगा एक डेजर्ट टेंपल जो कि अंडरग्राउंड है, एंड उसके साथ आपको देखने मिल जाएगी लश केव विथ अबेंडेंड माइन शाफ्ट, और ये डेजर्ट टेंपल चारों तरफ से लावा से घिरा हुआ है तो एक ऑसम लुक भी लगता है जब आप लोग इस केव के अंदर आओगे। एंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस सीड को ट्राई करें एंड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस सीड को लेके।
सो गाइज आई होप ये पांचों सीड आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि इन पांचों सीड में से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। सो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। एंड हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है। सो हाँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता था। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट अमेजिंग सीड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।